हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बीएससी पार्ट वन का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जब हम 12th क्लास से डिग्री कॉलेजेस में या फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि 12th का पेपर जो हमने दिया है उसका पैटर्न चेंज था और डिग्री कॉलेजेस का चेंज होगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आज आपको बीएससी पार्ट वन का एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि जूलॉजी सेकेंड पेपर है। तो जो बीएससी या फिर बीए में पेपर्स होते हैं वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रेजेंट है, कुछ इतना लंबा होता है ये क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में क्या होता है और सेक्शन बी में क्या चेंजेस हैं। सेक्शन ए में थ्री क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सेक्शन ए देख सकते हैं। सेक्शन ए लॉन्ग आंसर्स के लिए होता है, जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन करने होते हैं, जबकि हमें दिए कितने जाते हैं, हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं टोटल फोर क्वेश्चन, जबकि हर क्वेश्चन में टू पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हेमल एंड पेरिहेमल सिस्टम ऑफ एस्ट्रियस। तो एस्ट्रियस का रुधिर तंत्र परिरुधिर तंत्र का वर्णन कीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में और लिखा है, फिर उसके आगे लिखा है संघ मोलास्का के मुख्य लक्षणों का वर्णन एवं वर्गीकरण, वर्ग उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, गिविन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम मोलास्का एंड क्लासीफाई इन अप टू ऑर्डर विद सुटेबल एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये नहीं है, ये दोनों करने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और इसमें भी रहता है, यहाँ पर चार क्वेश्चन आपको दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर में से कोई भी तीन क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, और उन तीन में से टू टू ऑप्शन में रहते हैं केवल वन वन क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गन्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग इन नेरिस, व्हाट इज द फूड ऑफ दिस एनिमल। नेरिस जो क्वेश्चन है, नेरिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप नेरिस टॉपिक क्लियर करेंगे तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर में काफ़ी टॉपिक या काफ़ी पेपर में फंसेगा, क्योंकि नेरिस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रैक्टिकल के लिए, और थ्योरिकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और जो प्रैक्टिकल में वाइवा होता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है पाइला के तंत्रिका तंत्र, पाइला के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। पाइला, नेरिस और प्रॉन, ये तीन टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, और ये तीनों टॉपिक याद करने का आपका एक फ़ायदा यहाँ भी है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उनमें थ्योरी में जो लिखने को आता है उसमें पाइला, प्रॉन, ठीक है, ये आता है, और जो आपको डिसेक्शन करने को दिया जाता है 5 से 10 नंबर का, वो भी पाइला का या फिर प्रॉन का ही होता है, और फिर आपको एग्ज़ाम में भी यही मिलता है। और जो आपका 5 नंबर का वाइवा होता है वहाँ भी आपको प्रॉन या पाइला ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपके चार जगह पाइला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, तो आप, मेरा सजेशन है आप पाइला और नेरिस और प्रॉन ये तीन टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी करिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन, प्रॉन के नर और मादा जन अंगों का वर्णन कीजिए। इसमें ही ऑप्शन में दे रखा है आपको, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, पाइला के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। आप यहीं पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला है, ये क्वेश्चन नंबर टू है। अगर आप इन दोनों में से इसे चॉइस करते हैं, ओके, तो आपके 6 मार्क्स यहाँ रेडी होते हैं। एंड अगर आप थर्ड क्वेश्चन में से, इन दोनों में से इसे चॉइस करते हैं, तो 6 मार्क्स आपके यहाँ रेडी होते हैं। तो 6 और 6 12, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके रेडी हो गए, और आते कितने हैं, 3। तो ये होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एक टॉपिक को रेडी करिए, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उन्हें रेडी करिएगा। गिवन एन अकाउंट ऑफ द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ स्टारफिश, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फैक्टर्स, सितार मछली के स्वभाव एवं वास स्थान का वर्णन कीजिए, इसके बाह्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इसके ऑप्शन में क्या है, नेरिस के तंत्रिका तंत्र का वर्णन, डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ नेरिस, नेरिस आपको फिर यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है,
नेरिस और हेट्रोनेरिस शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चन अटेंड की करने होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप, जिसमें 100 100 वर्ड समथिंग हमें लिखने होते हैं। इसमें दिए जाते हैं हमें 8 टॉपिक, 8 में से हमें केवल 5 टॉपिक ही लिखने होते हैं। पहला है नेफ्रीडिया वक्रक, सेकंड है प्रॉन का स्टोटोसिस्ट, ठीक है, थर्ड है आप जो चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड है हेड्रोनेरिस। देखिए यहाँ पर नेरिस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर नेरिस और हेड्रोनेरिस में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको हेड्रोनेरिस मिल रहा है। हेड्रोनेरिस के बाद हम बात करते हैं यूप्रीन एवं ओलिगोपायरीन शुक्राणु, ठीक है, यूप्रीन एंड ओलिगोपायरीन स्पर्म, ट्यूब फीड, ठीक है, ऑस्प्रेडियम पैडी लेरियाई, ठीक है, ट्रोकोफोर। अब बात करते हैं इसमें से आप 5 कर सकते हैं जिसमें 100 100 वर्ड्स हो, और कोशिश कीजिएगा कि आप फिगर दे सकें, क्योंकि फिगर से अगर आपने 2 से 3 लाइन भी लिखी है तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपको 5 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलते हैं जिसे आपको टिक करना होता है। ये आपको इजी से समझ आया होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। फर्स्ट है ह्यूलोथोरिया के श्वसन अंग होता है, इन चारों में से आपको एक बताना है ऑप्शन में। सेकंड है फेदर स्टार का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है फ्रेंड। थर्ड क्वेश्चन है पायला होता है। फोर्थ है प्रॉन में चलन टांगे होती हैं, ठीक है, और फिफ्थ है नेरिस को सामान्यता कहा जाता है। तो ये थे आपके सेक्शन ए बी सी, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए ये है 2000, कौन सी साल का पेपर है, 2019 का। तो अब चल रही है 2021, तो यानी 2019 के जो क्वेश्चन है वो 2021 के लिए ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर आपने 2018 और 19 के पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका 2021 में 90% क्वेश्चन फंस जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।